नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक सौरभ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जीमेल में आने वाली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताऊंगा, जिसमें कि आपको मैसेज शो हो रहा होगा यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू हैव एन अनसुपरवाइज गूगल अकाउंट। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के बारे में जानने के लिए आगे की वीडियो में बने रहें, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके वो बिना किसी देरी के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों अगर आपको भी जीमेल लॉगिन करने पर कुछ इसी तरह का मैसेज आ रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए। दोस्तों मैसेज में कुछ ऐसा लिखा है, योर अकाउंट डज नॉट वर्क बिकॉज ऑफ यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू हैव एन सुपरवाइज्ड गूगल अकाउंट, जिसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आपकी उम्र अभी इतनी नहीं है कि आप बिना किसी के गाइडेंस के जीमेल अकाउंट को रन कर सकें। दोस्तों ये प्रॉब्लम ज़्यादातर उन बंदों को आती है जिन्होंने अपनी जीमेल को क्रिएट करते टाइम अपनी एज 13 साल तक की बताई है। दोस्तों इसे दूर करने के लिए आपको सिंपली अपने फ़ोन में बैक आना है और क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। दोस्तों जहाँ से आपको gmail.com पे जाकर अपने इस जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, जिसे लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहां से आपको माय पेरेंट इज हियर पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको अपने पेरेंट का जीमेल अकाउंट यहां पे लॉगिन कर लेना है, जिसके बाद आपके पेरेंट का अकाउंट आपके जीमेल के अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको सेट सुपरविजन को सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है, जहाँ से आपको अपने पेरेंट का अकाउंट लॉगिन करना है। दोस्तों यहां से आपको सेटअप सुपरविजन पर क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप अपनी लॉगिन स्क्रीन पर आ जाओगे। लेकिन दोस्तों लॉगिन स्क्रीन पर आने से पहले जितनी बार भी आपको नेक्स्ट का स्टेप आए आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है। दोस्तों अपने पेरेंट का अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सुपरविजन के बारे में बताया गया होगा। आपको जहाँ पर भी नीचे नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके बाद आपको जहाँ पर उस अकाउंट का पासवर्ड एंटर कर देना है जो कि हमने सबसे पहले लॉगिन किया था, या फिर हम ये कह सकते हैं जिसका सुपरविजन हम इस अकाउंट को दे रहे हैं। दोस्तों इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको दिए गए दोनों चेक बॉक्सेस को टिक करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट पेज फिर से पासवर्ड पेज आ जाएगा, जहाँ पर आपको अपने पेरेंट के अकाउंट का पासवर्ड एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे मैसेज शो हो गया है यूर अकाउंट्स आर लिंक्ड। दोस्तों इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है और उस अपने अकाउंट को लॉग इन करना है जिसपे की प्रॉब्लम आ रही थी। दोस्तों आपका वो प्रॉब्लम दूर हो चुका होगा। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ हमारा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ साथ हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।